आगे बढ़ते हुए टुडे 24 न्यूज चैनल की टीम ब्लॉक छजलेट के गांव रसूलपुर गुर्जर पहुंची। जिला मुख्यालय से इसकी दूरी 30 किलोमीटर और ब्लॉक से 10 किलोमीटर है। 1850 वोट और 6000 की जनसंख्या वाले इस गांव की जिम्मेदारी श्रीमती विमलेश देवी संभाले हुए हैं। गांव वालों ने इन्हें प्रधान चुनकर गांव की कमान श्रीमती विमलेश देवी के हाथों में सौंप दी है। इन्होंने गांव में अच्छा विकास कराया है। यह गांव विकास के पथ पर अग्रसर है। 4 वर्षों में इन्होंने गांव को किस तरह से सजाया है, आइए जानते हैं प्रधान पुत्र की जुबानी। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा शुभ नाम सौरभ कुमार है। मेरी माता जी ग्राम प्रधान है, ग्राम पंचायत अहमदपुर निगुनंगला, और काम वाम यह है कि महिला है, तो मैं ही देख रहा हूँ। सर, यहाँ पंचायत के कार्यकाल को 4 वर्ष हो चुके हैं। 4 वर्ष में क्या क्या आपने यहाँ कार्य कराए हैं और किस तरह से कराए हैं? देखिए, 4 वर्ष से पूर्व इस पंचायत में ना कोई सीसी सड़क थी, ना कोई सीसी टाइल सड़क थी। यहाँ तक के स्कूल भी बहुत जर्जर हालत में थे, और आज आप जाके देख सकते हैं कि हमारे पंचायत को सीसी रोड भी, सीसी टाइल्स भी। यहाँ तक के हमने अथक प्रयास किए, माननीय सांसद महोदय से भी 2 सड़क ली, क्योंकि पंचायत हमारी छोटी है, उस हिसाब से बजट कम आता है। यहाँ SC मतदाताओं की संख्या भी कम है, और आवासों में हम थोड़ा पिछड़े हैं, क्योंकि 2011 की जो सूची थी उसमें हमारे 0 था टारगेट। मुख्यमंत्री आवास में हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे 23 आवास हमें प्राप्त हुए। पंचायत ODF हो चुकी है आपकी? हाँ बिल्कुल। कितने शौचालय? 222 शौचालय बने हैं, 187 LOB से बने हैं, सॉरी 35 LOB से बने हैं, और 187 पूर्व में आ चुके हैं, सत्यापन भी इनका हो चुका है। प्रधानमंत्री आवास बनाए गए हैं? नहीं, हमारे कार्यकाल में केवल 3 प्रधानमंत्री आवास थे, तीनों को प्राप्त पहले हो गए थे 2016 में। पिछले 3 वर्षों से यहाँ कोई आवास सूची में नाम ही सुनी है। ऐसे कितने मानक पात्र व्यक्ति होंगे जो आवास चाहते हैं? देखो, चाहने की तो बात ये है, मानक पात्र व्यक्ति मैं समझता हूँ 25 से 26, अभी भी 23 हमारे जो आए हैं, लेकिन 2 से 3 व्यक्ति जो हमारे पात्र हैं अभी छूटे हुए हैं। लेकिन माननीय खंड विकास महोदय जो मुझे आश्वासन दिया है, अभी 4 दिन पहले मेरी वार्तालाप हुई थी उनसे, उन्होंने यही कहा है कि जब तक ये पोर्टल नहीं खुलेगा, साइट नहीं खुलेगी, तब तक हम आवेदन नहीं करा सकते। और 108 नंबर का ये है कि ये थोड़ा शिक्षित गांव है, तो सरकारी अस्पतालों में थोड़ा कम जा पाते हैं लोग, तो अपने में वैसे भी सक्षम है, पढ़ा लिखा गाँव है। आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड बने? हाँ, वो चल रहे हैं, लगातार निरंतर चल रहे हैं। सम्मान निधि का पैसा किसानों को मिलता है? किसान सम्मान निधि का पैसा अभी वेरिफिकेशन जब हमने खुद कराई, मैंने खुद रह के गांव के बीच में किसान सम्मान निधि के जो वेरिफिकेशन कराई, 25 तारीख को सूची सौंपी, तो उसमें हमें रिजल्ट पॉजिटिव मिला है, और परसों से पैसा आना शुरू हो गया है, यानी 1 तारीख से हमारे गाँव में कुछ धनराशि प्राप्त हो गई है, और रोज निरंतर प्राप्त होने पर। स्कूल के अलावा यहाँ सरकारी बिल्डिंग में क्या क्या है, जैसे पंचायत घर, बारात घर? नहीं, बाकी कुछ नहीं। आप सरकार से क्या मांग? मैं सरकार से मांग तो चाहता हूँ, अगर मिल जाए, मैं प्रस्ताव भी करके दिया है माननीय DPR महोदय को, आपसे लगभग 6 महीने पहले शमशान घाट का भी प्रस्ताव दिया है, पंचायत घर का भी प्रस्ताव दिया है, और पापा जी एक बार जो पापा जी हैं माननीय मुख्तार अब्बास नकवी जी से मिले थे, जो संसदीय कार्य मंत्री रहे, उन्होंने आश्वासन भी दिया था एक बारात घर के लिए, लेकिन वो अभी हो नहीं पाया। 90 वर्ष का महीना चल रहा जनवरी का, क्या आप यहाँ प्रधान पुत्र क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी अपनी ग्राम पंचायत की ओर से सभी ग्रामवासियों को 90 वर्ष की हार्दिक बधाई देते हुए, और सभी से एक निवेदन करना चाहता हूं कि सफाई कर्मी पर निर्भर ना रह के अपने घर के आगे जहां भी कूड़ा करकट हो उसे अपने मतलब हाथों से साफ करें, और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, जिससे कि पूरी गाँव की पंचायत हमारी महामारी से, बीमारियों से बच सके। इसी के साथ बस मैं ये कहना चाहता हूँ, धन्यवाद।